नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े कहते हैं कि सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य यूपी में लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ तो क्राइम ग्राफ घटा है। इसको लेकर राजनीति के अपने अपने दावे हैं, मगर योगी राज में एक बड़ी तस्वीर यह भी है कि बदमाश गैंगस्टर बैनर टांगे खुद सरेंडर के लिए पहुंच रहे हैं। यूपी में सरेंडर करने की होड़ सी लग गई है, तो आखिर इसकी वजह क्या है जानते हैं। साहब मुझे गोली मत मारना, मैं गैंगस्टर एक्ट का अपराधी हूं, मुझे गिरफ्तार कर लो। योगी राज में कानून से खेलने वाले अब कैसे कानून के खौफ में आ गए, इसका पक्का सबूत देख लीजिए। संभल में सरेंडर करने पहुंचे जाबुल नाम के आरोपी पर गोकशी समेत कई मुकदमे दर्ज हैं, और गैंगस्टर एक्ट के तहत केस हुआ तो ये फरार हो गया। मगर क्या पता माफिया अतीक अहमद और उसके कुनबे की खबर इस तक पहुंची ही होगी, और उसी खौफ ने उसे कानून की चौखट पर लाकर खड़ा कर दिया। कबूल भी किया कि हाँ मैं गैंगस्टर एक्ट का अपराधी हूँ, मुझे गोली मत मारना, मैं गैंगस्टर एक्ट का अपराधी हूँ, मुझे गिरफ्तार कर लो। किसी को एनकाउंटर का डर तो कोई बुलडोजर वाले एक्शन से कांपा थर थर। योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई, हेकड़ी भी हवा हो गई, कानून का ऐसा खौफ घर कर गया कि तख्ती पर छाप दिया कि योगी जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। अंदाज फिल्मी है, मगर मुजफ्फरनगर में आरोपी के सरेंडर के तरीके और चेहरे की टेंशन ही बताने के लिए काफी है कि कानून का खौफ कितना है। योगी युग में सरेंडर की ऐसी होड़ मची है कि बड़े से बड़े शातिर अपराधी फिर कोई गुनाह ना करने की कसम खाने लगे। थाने में हाथ जोड़े सरेंडर करने पहुंचा आरोपी मुजफ्फरनगर का गैंगस्टर बशीरुद्दीन है। 2 साल पहले जब ऑपरेशन क्लीन के तहत मुजफ्फरनगर में धरपकड़ चल रही थी, तब ये आरोपी फरार था। उस पर 50,000 के इनाम का ऐलान भी किया गया था, मगर शातिर आरोपी बशीरुद्दीन इनाम का ऐलान होते ही कुछ ही घंटों में हाथ जोड़े थाने में दिखाई दिया और बोला कि गिरफ्तार कर लो, अब कोई गुनाह नहीं करूंगा। यूपी पुलिस का खौफ बदमाशों पर बरकरार है, पुलिस की कार्रवाई से डर कर आए दिन बदमाश थाने में सरेंडर कर रहे हैं। शामली जिले में भी ऐसा ही मामला सामने आया, जिले के एक थाने में 3 गैंगस्टर ने सरेंडर किया। सरेंडर करने थाने पहुंचे इन बदमाशों ने पुलिस से खुद को गिरफ्तार करने को कहा। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि जिस यूपी में कभी इनामी बदमाशों के फरार होने पुलिस की नाकामी की खबरें हेडलाइन बन जाया करती थी, पुलिस या सिस्टम का तमाशा बनता था, उसी यूपी में योगी मॉडल ने बदमाशों को लाइन पर लाने का शर्त या इलाज शुरू किया। पुलिस को चकमा देने वाले अपराधियों के अवैध ठिकाने ढाए गए, पुलिस को ग्राउंड जीरो पर उतारा गया। पिछले 6 सालों में पुलिस और अपराधियों के बीच 9,434 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई हैं, जिसमें 183 अपराधी जान से मारे गए, 546 अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आधिकारिक आंकड़ों में यह भी कहा गया कि पिछले 6 सालों में इस तरह के अभियानों के दौरान 13 पुलिसकर्मी शहीद हुए और 1,443 पुलिसकर्मी घायल हुए। 6 वर्ष के अंदर, 6 वर्ष पहले जो माफिया, जो अपराधी सीना तन करके चलता था, व्यापारी दुबकता था, महिलाएं और बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती थी, लेकिन माफिया और अपराधी आज जान के लाले पड़ करके, गले में तख्ती लटका करके जान की भीख मांग रहे हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट पर जितना काम अब हुआ उतना शायद ही इससे पहले कभी हुआ हो। सोचिए, जिस अतीक का नाम लेने से कभी प्रयागराज के लोग खौफ खाते थे, आज माफिया राज मिट्टी में मिल गया। दूसरे बाहुबलियों का नेटवर्क भी तोड़ा गया। इसी का असर है कि योगी सीना ठोक कर कहते हैं कि यूपी में नो दंगा, सब चंगा।